Govind is doing a really job. I like the way he is addressing the issues of the students of Fine Art from a small town. जी थैंक यू सोमू जी। आज हम भाग दो के अंतर्गत सोमू जी से हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, उनके मटेरियल के बारे में, उनके काम के बारे में, उनके कॉन्सेप्ट के बारे में। एक काम शुरू करने का क्या तरीका होता है आपका? मेरी जो तरीका है काम करने का कि मेरे काम में क्या होता है कि पेंट के जो लेयर्स होते हैं ना वो बहुत मोटे होते हैं, लाइक इट समटाइम्स गोज अप टू 4 मिलीमीटर्स का पेंट लगता है। तो उसको अब स्पेसिफिक वेदर वेदर की जरूरत होती है, इसलिए मैं कुछ महीनों में ही काम करता हूँ। पूरा साल मैं स्टूडियो में बैठा रहता हूँ, तो मेरा टारगेट होता है कि भाई ये 3 महीना में काम करूंगा स्टूडियो के अंदर मेरे पेंटिंग के ऊपर। बाद में बाकी के टाइम में काफी चीजों में इन्वॉल्व रहता हूँ, जैसे आर्टिस्ट इन रेसिडेंसी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता हूँ जो मुझे इंटरनेशनल एक्सपोजर देता है, काफी दोस्तों से मिलता है जहां पे चर्चा विचार होती है, सब मिलके रहते हैं कुछ दिनों के लिए, 15 दिन 10 दिन के लिए, तो वो रेसिडेंसी ऑर्गेनाइज करता हूँ। फिर काफी एनजीओज है, जैसे आर्किटेक्चर का एनजीओ है हुनरशाला, तो दे हैव टेरिफिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट विजुअल आर्ट्स एंड ऑल्सो द मटेरियल। जी सोमू भाई, हम आपसे जानना चाहते हैं कि रेसिडेंसीज के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, आपके कंटेंट कैसे आते हैं काम में? कंटेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि मटेरियल इज नॉट एन आर्ट और स्किल इज नॉट एन आर्ट ना, इट इज सपोज टू बी यूज टू प्रोड्यूस एन आर्ट। तो कंटेंट चाहिए था, तो कंटेंट के लिए तो आजू बाजू के लोग होते हैं, जो वातावरण होता है, जो हमारे यहाँ लोगो होते हैं उनको स्टडी करो, तो काफी सारी हमारे आजू बाजू होती रहती है। अगर हम अपने आप को खुला रखेंगे तो वहां से मिलेगा। तो जो मैक्सिमम मेरे फ्रेंड्स हैं दे आर इनटू बिजनेस, एंड मैंने देखा जो मेरा एक स्वभाव से विरुद्ध थी चीज के जो वो नहीं है वो दिखाना चाहते, जैसे उनकी पहचान उनकी गाड़ी हो जाती है, उनकी ये पहचान उनका बंगलो है, इसीलिए उनकी पहचान है जो वो खुद नहीं है लेकिन कुछ और है जिसके वजह से उनकी पहचान बन रही है। तो ये कंटेंट मुझे काफी इंस्पायर किया काम करने के लिए। तो ये इल्यूजन की जो बात है जो मेरे, तो हम जो नहीं है वो दिखाना चाहते हैं, यहां से मुझे इल्यूजन के बारे में काम करना चाहते। वो ग्लोरिफिकेशन जो है ना वो मेरा कंटेंट बना, तो इसीलिए ये मटेरियल को मैंने वो तरीके से यूज करना शुरू किया कि वो जो चीज है वो नहीं है, एक्चुअली पत्रा नहीं है इसमें, ये सिरामिक नहीं है, सिरामिक जैसा दिखता है लेकिन है पेंट, आपको फील देगा। मैं मेरे पेंटिंग के लिए व्यूअर्स को अलाउ करता हूँ कि आप टच करो इसको एंड दे फील लाइक, काफी इंसिडेंट भी ऐसे कि वो लोग समझते कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये सिरामिक ही है लेकिन ऐसा नहीं है, वो पेंट ही होता है। तो यहां से मेरा कंटेंट आया, तो काफी सारे पेंटिंग है जो हर रोज की जिंदगी की मैं जो जो चीज होती रहती है उसको मैंने डॉक्यूमेंट करना शुरू किया इन अ विजुअल फॉर्म। तो ये जो काफी पेंटिंग्स है जिसमें एक फ्रॉक है जो कश्मीर में एक बच्ची के ऊपर रेप हुआ था, बड़ा सैड इंसिडेंट था, बट दैट टच मी लाइक ये क्या है, ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए एक लोहे का फ्रॉक बनाया बच्ची के लिए, तो इट वॉज जस्ट अ मेटाफोर ऑफ एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ। और जैसे चाइना पाक इंडिया का वॉर हुआ था सीज फायर के बारे में, तो मैंने सीज फायर बनाया। फिर कोरोना काल का आया, तो कोरोना का जो लॉकडाउन के अंदर, तो हम आर्टिस्ट तो वैसे भी लॉकडाउन ही होते हैं, लेकिन जो माहौल बना था वो माहौल को मैंने डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की, तो वैसे कंटेंट आना शुरू किया। फिर अपने लाइफ में कुछ हुआ है जो हमें हिला के रख दिया कि सही में ऐसा हो सकता है, तो वैसे जो इंसिडेंट है वो मेरे काम में आने गए, तो वैसे मैंने कंटेंट को रीच करना शुरू किया। तो यहाँ पे मैंने मेरे पेंटिंग के जरिए एक मिलाप बनाया जो कंटेंट से भी स्ट्रांग हो और मटेरियल से भी स्ट्रांग हो, लेकिन साथ साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि भाई कंटेंट शुड नॉट ओवर पावर द मटेरियल एंड मटेरियल शुड नॉट ओवर पावर द कंटेंट, इट हैज टू बी इन अ बैलेंस मैनर। तो और ये सब चीजें क्या होती है कि आपको अपने साथ बातें करनी पड़ती है, अपने काम के साथ रहना पड़ता है। मेरा काम जो बनता है मैं जैसे बना वैसा गैलरी को देता नहीं हूँ, जैसे ही बन गया चलो गैलरी को भेज दो, ऐसा नहीं होता है। मेरे काम में काम को अपने स्टूडियो के अंदर डिस्प्ले करके रखता हूँ, मेरे घर के अंदर डिस्प्ले करके रखता हूँ और देखता हूँ कि मैं मेरे काम को कितने टाइम तक बर्दाश्त कर सकता हूँ, यू नो। तो
ये जो काम है ना उसके अंदर ऐसा हुआ ना, जैसे क्या बोलूं उसको कि ऐसे जितना पुराना होता है ना उतना मुझे ज्यादा प्यारा लगना, वो क्वालिटी मेरे काम के अंदर आने लगी जो मैंने फील करना शुरू किया, तब जाके लगता है कि नहीं ये काम को मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। क्योंकि जब काम करते हैं तब अपने धुन में होते हैं, जब मस्ती में होते हैं, तो एक हमारा अलग अवतार होता है वो टाइम पे। लेकिन वो अवतार के बाहर निकलेंगे और मुझे इसके साथ रहना है तो शायद मैं रह पाऊं या नहीं रह पाऊं, ये क्वेश्चन लेके मैं उसको रखता हूँ सामने। तो भाई 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, कुछ काम तो ऐसे जो मैंने 3 3 साल तक मैंने रखे हैं। मेरे 10 साल का भी हिस्ट्री है मेरे पास कि 10 साल तक भी मैंने काम मेरे सामने रखा है और देखता हूँ कि ये ज्यादा लाउड तो नहीं। तो कंटेम्प्रेरी का ये ना अभी का जो डॉक्यूमेंट किया है, हम जो डॉक्यूमेंट कर रहे विजुअल फॉर्म में, वो कितने लंबे टाइम के लिए वो रहेगा? एक माहौल बना है तो ये माहौल आया और गया वाला नहीं, ऐसा तो काम में भी वो क्वालिटी आनी चाहिए और व्यूअर को अंदर एक इंटरेस्ट बना के रखे वो क्वालिटी अपने पेंटिंग में। तो ये समझ, और जहां तक मुझे ये फील हो कि ये पेंटिंग थ्रू है, इट शुड बी आउट इन पब्लिक एंड इट विल टच द व्यूअर, तभी वो पेंटिंग, ये कॉन्फिडेंस आने के बाद ही मैं वो पेंटिंग मेरे स्टूडियो के बाहर जाएगी, वरना नहीं जाएगी। तो इतना प्रिसीजन मैं रखता हूं मेरे काम के अंदर कि नहीं, अगर मैं कन्विंस नहीं हूं तो आई कांट एक्सपेक्ट के लोग भी कन्विंस होंगे। तो पहले मुझे मेरे काम के बारे में कन्विंस होना बहुत जरूरी है। मतलब मेरा जो काम होता है ना वो मैं काफी हाई प्रोडक्शन में होता है, तो जब काम करता हूँ तभी ऐसा नहीं कि मैं एक ही पेंटिंग पे काम करता हूँ, मैं मेरे साथ पांच पांच कैनवास लगे पड़े और पांच कैनवास को एक साथ मैं हैंडल करता हूँ, तो मेरा प्रोडक्शन रेट बहुत हाई है। तो प्रोडक्शन रेट हाई होने का मतलब नहीं कि वो सब मार्केट में जाने चाहिए। मैं चाहता हूँ कि उसमें से चुनो कि कोई काम परफेक्ट है, वो क्वालिटी रखता है कि उसको बाहर छोड़ना चाहिए, और वो मेरे बारे में लोगों को बात बताएगा, मेरे सोचने के तरीके में बात बताएगा लोगों को, ऐसा एक कॉन्फिडेंस आ जाए तभी वो बाहर जाएगा, वरना वो काम दूसरा काम मेरे पास पड़ा रहेगा जो नहीं मैंने भेजा और वो भी मेरे सामने का। बाद में क्या होता है, कुछ टाइम के बाद वो काम कुछ और बोलता है और वो एक नया डिरेक्शन लेगा, फिर वो कंप्लीट होगा तो ही बाहर जाएगा। तो ये मेरा काम करने का तरीका है और वैसे करके मेरा कंटेंट काम में आया, वैसे करके मेरा ये टेक्निकलिटी स्किल्स ये सारी चीजें बनी और ये पूरा पैकेज बना और मैंने उसको बैलेंस करने की कोशिश की। जी, आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हमसे साझा की। अच्छा, आपने जो एनजीओज के लिए के बात की थी कि आपने कुछ एक मटेरियल को प्रोड्यूस किया था वहाँ पे, उसके बारे में कुछ बताइए ना। तो हम लोग ने एक प्रोजेक्ट सोचा था जिसका नाम है ए क्यूब। ए क्यूब मतलब A3 बोल सकते हैं, 3 हुआ है इसीलिए मैंने क्यूब कर दिया तो एक बॉक्स बन गया। तो ये इसका जो आइडिया था मेरा, ये सोच थी हम लोग, यानी मैं और किरण भाई करके एक आ गया, किरण वगैरह, तो हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, उसमें एक आइडिया बना कि भाई एक जमाना था जिसके अंदर, एज फॉर एग्जाम्पल हम अजंता की केव्स ले लो या इलोरा की केव्स ले लो, तो हमको मालूम है कि भाई ये बुद्धिस्ट मॉन्क ने बनाया है, ठीक है। लेकिन जो मॉन्क ने सोचा तो उसके पास, जैसे एलिफेंट रिब केज है, तो रिब केज के बारे में वो आर्किटेक्चर में लाना, वो इट्स आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, तो वो सोच लिया आर्टिस्ट की तरह। लेकिन बाद में वही बंदा उसको प्रैक्टिकली कैसे करना वो ही सोचता था कि रिब केज ऐसे बन सकती है, उसमें से इको बन सकता है। तो उसने एज अ डिजाइनर उसने उसको प्रैक्टिकलाइज किया, फिर वही बंदा काम भी करता था उसके ऊपर, तो वो खुद उसको काव करता था रिब केज की तरह स्टोन में से, बड़ा सा हॉल है। तो इसमें आर्टिस्ट प्लस आर्किटेक्ट प्लस आर्टिजन्स, ये तीनों की क्वालिटी एक बंदे में वो टाइम पे पाए। लेकिन ये जो हमारा वेस्टर्न साइंस है, वो साइंस का आने का एक तरीका क्या हुआ कि हर चीज को माइक्रोस्कोपिकली उसको अलग अलग कर दिया, कि हमारी जो क्वालिटी थी उसको भी माइक्रोस्कोपिकली अलग कर दिए। तो आज की तारीख में अगर देखने जाओ तो हम लोग क्यों पहले की इमारतें देखने जाते हैं या फिर कोई आर्कियोलॉजिकल साइट देखने, क्योंकि वो चीज हमको एहसास होती है कि भाई क्या सोचते थे ये लोग, क्या करते थे, तो वो क्वालिटी अभी क्यों नहीं है।
क्योंकि अभी डिजाइनर अलग है, काम करने वाला और डिजाइनर का दोनों का कोई कनेक्शन नहीं होता है प्रैक्टिकली। जी बिल्कुल, काम चाहे कोई भी हो, कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, वो मटेरियल के विषय में हम जानना चाहते हैं। तो रेमनर्स मटेरियल है, उसके अंदर दीवारें बनती है आर्किटेक्चर के अंदर। ये सरदार पटेल का जो स्कल्पचर लगा है गुजरात में, उसके नीचे का जो बेस है वो पूरा रेमनर्स का है। तो रेमनर्स में क्या होता है कि 10% ऑफ सीमेंट, 10 अपना जो स्टोन डस्ट लिया उसमें 10% सीमेंट डालो, 10% ऑफ वाटर जस्ट मॉइस्ट करने के लिए, उसका घोल बनाओ और एक लोहे की पेटी बनती है, वो लोहे की पेटी में 1 फीट तक उसको फिल करो, बाद में उसको रैमिंग करो, टिपना बोलते हैं ना वो, रैम करते हैं, तो वो एक पतली सी लेयर बन जाती है, जैसे 2 इंच की लेयर बनेगी। तो लो, और वैसे करते 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 पूरा पूरा ये भर लो बॉक्स, और जब बॉक्स खोलेंगे ना वो बड़ा मॉइस वाला सॉफ्ट होता है, तो चाकू से हम लोग जैसे केक को काव कर सकते हैं ना, वैसे वो उसको काव कर सकते हैं। तो उसको काव करो, स्कल्पिंग करो कार्विंग करके, और उसको हम 21 दिन तक हम अगर पानी पिलाएंगे तो वो पूरा स्टोन बन जाएगा, तो एक नया मटेरियल है। तो मेरा एक प्रोसेस ये होता है कि ऐसे एक्सप्लोर करो मटेरियल को, अलग अलग चीज में इन्वॉल्व हो जाओ। तो ये हमने एक प्रोजेक्ट किया था जिसका नाम है ए क्यूब का प्रोजेक्ट है। जी, ये बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें जो हम सुन रहे हैं सोमू जी से, ये बहुत सारे लोगों को काम आने वाली हैं, जो कि नए स्टूडेंट्स और आर्टिस्ट को तो बहुत काम आने वाली हैं। जो अभी तक बताई, जो मेरी जर्नी के बारे में बताई और मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बताया, शायद किसी के काम में आ सकता है। ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है वो मैं पास ऑन कर रहा हूँ आपको, नहीं बताऊँ, लेकिन अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपके काम में आ सकती है तो आपके लिए आसानी होगी, कोई तकलीफ, और आप अच्छे से काम कर सकते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड गोविंद इज डूइंग अ रियली जॉब। आई लाइक द वे ही इज एड्रेसिंग द इश्यूज ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ फाइन आर्ट फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, और जो रिमोट एरिया से जो आर्टिस्ट प्रैक्टिस करते हैं उनके अंदर जो कंफ्यूजन है, उनको जो जानना है एक आर्टिस्ट के बारे में और उसकी प्रोसेस के बारे में, उसके एक्सपीरियंस के बारे में, तो वो अच्छे से उसको कवर करने की कोशिश कर रहा है। तो आई विल सजेस्ट, प्लीज लाइक द चैनल और उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सोमू भाई। और दोस्तों, ये बातचीत यहाँ ख़त्म नहीं होती है, आज इस सेशन की तो होती है, परंतु इनके पास बहुत सारा ऐसे अनुभव हैं, बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं जो कि जैसे इंस्टॉलेशन बेस्ड, साइट स्पेसिफिक बेस्ड, लैंड आर्ट बेस्ड, ये सारे चीज़ें सोमू जी के पास भंडार है। तो हम आने वाले समय में लाइव के ज़रिए उनसे ये सारे एक्सपीरियंस हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं जो कि अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो आज के प्रोग्राम को हम यहीं समाप्त करते हैं, और आने वाले समय में हम सोमू जी से और सारे बहुत सारी बातें करेंगे। तो तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा लें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलते रहें, और दूसरों तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये लोगों तक पहुँचना ज़रूरी है। हम इतना मेहनत कर रहे हैं और लोगों से एक दूसरे से कनेक्शन और एक दूसरे की बातचीत को हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं, तो ज़रूर ये ज़रूरी है कि आप लोग भी एक दूसरे से शेयर करें। जिन दोस्तों को आप ये शेयर करना चाहते हैं बिल्कुल करें, जिन आर्टिस्ट को आप टैग करना चाहते हैं फेसबुक पे शेयर करके वो भी बिल्कुल कर सकते हैं। हम इंस्टा पे भी अवेलेबल हैं, इंस्टा पे भी आप टॉक शोज़ इस तरीके से देख सकते हैं, वो भी शेयर कर सकते हैं। तो जितना आप लोग हमारे इस चैनल को प्यार दे रहे हैं और दूसरों तक शेयर कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।